नमस्कार दोस्तों, जैतन राज के पीजी महाविद्यालय चुनाव को चुनाव के छात्र संघ चुनाव को लेकर आज जैतन पीजी महाविद्यालय में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और कुल 658 मतों में से 576 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। जहां कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इस बार 87.53% मतदान रहा। उल्लेखनीय है कि जैतन राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर आज अल सुबह से ही सभी नोई प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ यहां लवाजमा के साथ कॉलेज पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने उनको मतदान करवाया गया। और आप ये देख सकते हैं, ये इस समय मतदान पूर्ण हो गए और सभी छात्र लौट गए और इस समय मत पेटियों को बंद किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जैतन राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस बार कुल 9 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री सत्यनारायण और रमेश चौधरी है और उपाध्यक्ष के लिए नॉर्थमल दिलकुश भाटी रुणेचा और नरेश कुमाऊत है तथा महासचिव के लिए हेमंत सिंह व अजय कुमार है, जबकि संयुक्त सचिव के रूप में पूजा कुमाऊत व प्रियंका है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन चुनावों में सभी जो पूरे अध्यक्ष हैं उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि अध्यक्ष के पदों के लिए रमेश चौधरी और सत्यनारायण के बीच बहुत ही रोचक मुकाबला रहा और मुझे लगता है कि इन चुनावों में इस बार हो सकता है, मेरे कयास से जहाँ तक मेरा अनुभव है उससे लगता है कि रमेश चौधरी सहित इस बार विजय हो सकते हैं। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकता और न ही मैं ये दावा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आज स्थिति ये देखी है उसके अनुसार ये लगता है कि रमेश चौधरी हो सकता है बाजी मार सकते हैं। लेकिन ये चुनाव है, चूंकि मैंने तो इसमें मतदान किया नहीं, जिसने भी मतदान किया और मतदाताओं को जो मैंने रुझान देखा उसके अनुसार यही लगता है। हालांकि मेरी पत्रकारिता पूर्ण ईमानदारी के साथ है और दोनों प्रत्याशी को मैंने अपनी शुभकामना भी दी है, तथापि मुझे यही लग रहा है कि रमेश चौधरी सहित विजय हो सकते हैं। और जैतन राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर आज सुरक्षा के पुख्ते और तगड़े इंतजाम किए गए थे। जैतन उप पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ और जैतन श्री भवला जी चौधरी की अगुवाई में यहाँ महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर चप्पे चप्पे के सुरक्षा फेरी और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिसके कारण यहाँ चुनाव पूर्णतः शांति रही और किसी भी अप्रिय घटना के किसी प्रकार के कोई समाचार नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो सुबह से दिन भर यहाँ इस समय हमारे साथ जैतन पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार भाई सत्यनारायण और रमेश चौधरी जी खड़े हैं और इनका खान मीडिया द्वारा स्वागत है। श्री रमेश जी, आपका स्वागत है। आप यदि छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हो तो इस महाविद्यालय के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और महाविद्यालय के लिए जैसे पीजी और जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए जो ये लेक्चरार है उनकी व्यवस्था करवाना, जैसे बस स्टॉप गाड़ियाँ रुकवाना छात्रों के लिए और भी इसके अलावा जो खेल गतिविधि होती है उनमें जो भी व्यवस्था करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए जो प्रेरित करना और सब व्यवस्था करवाना, ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं पिछले लंबे समय से ये देख रहा हूँ यहाँ
महाविद्यालय में रोडवेज बस रुकाने की मांग लंबे समय से चली आ रही, लेकिन आज दिन तक सही थी ये मांग इनकी पूरी नहीं हो पाई, इसके बारे में आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, पहले मेरे भाई किशोर चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष था, उस टाइम हमने मांग की थी और थोड़े दिन बस से रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद जब किशोर चौधरी के जाने के बाद वापस फिर बसों का, इस बार पूरा कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बस से रुकाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद रमेश जी, और मेरी हार्दिक शुभकामना आपके साथ है, आप विजय रहे और शांतिपूर्ण और शांति व्यवस्था बने में प्रशासन की मदद में। हमारे साथ जेतन राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के श्री सत्यनारायण जी है, और मेरा इनसे सवाल है कि आप यदि अध्यक्ष के रूप में चुने जाते तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली जो स्थायी बस स्टॉप का जो कार्य है वो पहले पूरा कराऊंगा, जो पिछले साल मतलब 3 महीने चला उसके बाद बंद हो गया, और जो भी कॉलेज के हित में जो कार्य होंगे उनको मैं साथ लेकर चलूंगा, और जो भी वो मतलब प्रशासन के अनुसार मतलब काम होगा। यहाँ विभिन्न समस्याएं और कुछ पद भी रिक्त पड़े, इनके बारे में भी जो भी पद रिक्त पड़े, जो भी मांग है वो मैं सब मतलब कैसे भी पूरी करूँगा। मेरी हार्दिक शुभकामना है, आप विजय रहे और विजय होने के बाद प्रशासन का पूरा सहयोग करें। धन्यवाद श्री रमेश सॉरी सत्यनारायण जी। महाविद्यालय में इस बार जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं और वो लोग हैं जो आप इस चुनावी महासमर में खड़े हैं, मैं आपसे परिचय जानूंगा। आप महासचिव के लिए श्री अजय कुमार जी जगूत है और हरीश कछवा है, सॉरी नरेश कछवा है जो उपाध्यक्ष के लिए, और आप श्री रमेश चौधरी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, और आप श्री सत्यनारायण जी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, आप नॉर्थमल जी उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, आप श्री दिलकुश जी बाटी रुणेचा जो उपाध्यक्ष के उम्मीदवार है, आप हेमंदर सिंह जी जो महासचिव के उम्मीदवार है, और आप बहन कुमारी पूजा कुमार संयुक्त सचिव पोस्ट पर, और आप प्रियंका चौहान है, और ये सभी इस समय पूर्णतः मित्रता के साथ खड़े हैं, और मेरी भी दिली इच्छा है कि इनकी ये मित्रता ऐसे ही बरकरार है और चुनाव शांतिपूर्ण है। आपको लगा शांतिपूर्ण है चुनाव? धन्यवाद। मैं आईबी खान खान मीडिया के लिए जेतन राजकीय पिजी महाविद्यालय से नमस्कार, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज छात्र संघ चुनाव का जो मतदान हुआ इसकी मतगणना 4 सितंबर को राजकीय पीजी महाविद्यालय में होगी, जहाँ कड़ी सुरक्षा और तगड़े सुरक्षा के बीच यहाँ मतगणना होगी, और जैसा कि जैतरण पुलिस उप अधीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बताया कि इस बार किसी भी विजयी प्रत्याशी का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा था कि इसी विजय जुलूस पर और पराजित और विजय प्रत्याशियों के बीच आमना सामना हो गया था, और इस कारण जैतरण शहर में शांति है एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने किसी भी विजयी उम्मीदवार को जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है, और ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जैतरण के हर ताज़ा अपडेट जानने के लिए जैतरण न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं आईबी खान कैमरामैन सूरदर्शन साखले के साथ राजकीय पीजी महाविद्यालय जैतरण से नमस्कार, सलाम, आदाब।